हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेड पीएफ और नेवल आमका के बारे में। हम यहाँ पे जानेंगे कि जो नेवी है वो यहाँ पे नेवल आमका पे क्यों नहीं जाना चाहती और डेड पीएफ को ही उन्होंने क्यों चूज़ किया है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को समझने से पहले हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फिलहाल जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो यहाँ पे INS विक्रांत हैं और INS विक्रमादित्य हैं, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर सी ट्रायल्स में है और दूसरे जो हैं वो सर्विस में है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल भी INS विक्रमादित्य का लेंगे। तो यहाँ पे जो INS विक्रमादित्य हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट टेक ऑफ और यहाँ पे अरेस्टेड लैंडिंग को देते हैं, यानी कि इनकी जो सुविधा यहाँ पे दी जाती है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए वो यहाँ पे शॉर्ट टेक ऑफ रहता है, जहाँ पे इसकी जंप से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जाता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से कोई ऐसी हेल्प नहीं मिलती जो कि कैटापुल्ट हो गए या फिर ईमेल्स में होते हैं, यानी कि कैटापुल्ट जहाँ पे स्टीम का यूज़ किया जाता है, ईमेल्स जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो हेल्प है वो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को नहीं मिलता है। तो ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को ही करना है। यहाँ पे जो विक्रमादित्य में इसकी जंप की जो लिफ्ट है वो दिया गया है, तो वो यहाँ पे 15 डिग्री के एलिवेशन है, यानी कि 14 से 15 डिग्री का एलिवेशन हो सकता है, जहाँ पे अगर आप काउंट करते हो इसके लेंथ को लेके और वेट को लेके, तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो 28 से लेके 30 टन के आसपास हो सकते हैं, जो कि मैक्सिमम कैटेगरी होने वाली है। इससे कम के आप डेफिनेटली फ्लाई कर सकते हो, लेकिन 30 टन के ऊपर आपको जाना यहाँ पे एक सेफ नहीं माना जाएगा। तो वहीं पे हम बात कर लेते हैं अब एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो बात करेंगे यहाँ पे जो करंट में जो एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि MiG-29 केस। तो MiG-29 केस के इंजन में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे किए गए हैं, साथ ही साथ उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन किए हैं, जैसे कि लीडिंग एक्सटेंशन जो दिए गए हैं वो उसको एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रदान करते हैं, जिस वजह से जो MiG-29 केस हैं वो यहाँ पे एक आइडियल एयरक्राफ्ट बन जाते हैं कैरियर से फ्लाई करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें FA-18 के बारे में, तो उनकी भी कहानी लगभग सेम है। तो यहाँ पे जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो इंडिजिनस कैरियर एयरक्राफ्ट है LCA नेवी, तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो वर्टेक्स कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट को डेफिनेटली लिफ्ट मिलता है, पर यहाँ पे जो इंजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो एक इंजन लगे हुए हैं वो इतने रिलायबल नहीं है। यहाँ पे आपको पेलोड और फ्यूल दोनों से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे LCA नेवी Mk2 के बारे में, जो कि इन फ्यूचर में प्लान किया जा रहा था, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पे सिंगल इंजन के फैटजेट्स है, तो वहाँ पे भी जो वेट है और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि F-35 हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते, वो भी तो सिंगल इंजन है। पर F-35 की कहानी कुछ और है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन यूज़ करते हैं और वो 190 प्लस जो किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे जनरेट करने में सक्षम है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो होने को रहा। वहीं पे अब आ जाते हैं नेवल आमका को लेके और नेवी जो है वो टेड बीएफ पे क्यों शिफ्ट कर रही है। तो नेवल आमका का प्रोग्राम जो है, अगर आप आमका का वेट देखोगे तो वो अराउंड 30 टन के आसपास है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट टच कर रहा है। इसके अलावा जो आमका में पावरफुल इंजन डेफिनेटली लगाए जाएंगे, लेकिन वो 2030 के आसपास रेडी होने वाले हैं, उससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन यूज़ किए जाने हैं। और एक जो मेन रीज़न यहाँ पे निकल के आता है वो यहाँ पे आमका के डिज़ाइन को लेके है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिफ्ट है आमका को नहीं मिलने वाला है इसकी जंप से, तो यहाँ पे आमका विक्रांत हो गए, विक्रमादित्य हो गए, यहाँ से यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आमका में मॉडिफिकेशंस किया भी जाता है तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो एक पूरी तरीके से नए फाइटर जेट को डिज़ाइन करने वाली बात हो जाती है। इसके अलावा डेफिनेटली आमका एक अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकते हैं, पर उतना नहीं कर सकते जितना कि एक 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप विंग पे पेलोड कैरी करते हो तो वहाँ पे भी आपको मुश्किलें आने वाली हैं। तो यहाँ पे स्टोबार से जो प्लान है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको नेवल आमका यूज़ करना है, तो वो वहाँ पे आपको कैटोबार सिस्टम का होना चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर ईमेल्स का होना चाहिए, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की सुविधा हो और एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे जब लैंड कर रहा हो तो वहाँ पे जो हुक है वो यूज़ किया जा सके। तो ये जो सुविधा है ये आपको मिलनी चाहिए, जिससे आप आमका को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेजर रीज़न बनता है नेवी का एंड आमका को नहीं यूज़ करना। वहीं पे अगर टेड बीएफ पे आए तो टेड बीएफ को आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से नया डिज़ाइन किया गया फाइटर जेट है, जहाँ पे जो कनार्ड्स हैं वो दिए गए हैं एक्स्ट्रा लिफ्ट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंजन्स हैं वो यहाँ पे पावरफुल दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास इंजन पावरफुल है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इस तरीके के फाइटर जेट्स को यूज़ करना चाहोगे। और इन फ्यूचर में अगर आपके पास कैटोबार सिस्टम के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, तो यहाँ पे आप उन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा पेलोड और पूरी तरीके से फुल फ्यूल में यहाँ पे फ्लाई करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन नेवी की जो डिमांड है वो यहाँ पे काफ़ी लेट आई है। अगर यही डिमांड 2015 के आसपास आई होती तो अब तक जो एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप है वो पॉसिबल है कि फ्लाई भी कर रहा होता, या फिर आने वाले 2-3 सालों में फ्लाई करने वाला होता।
लेकिन इन सभी चीज़ों को इतना लेट बताना ये बताता है कि जो नेवी की रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लेके कितनी कम चल रही थी। अचानक से आपको चीज़ें याद आती हैं कि आपको नया एयरक्राफ्ट लेना है, जहाँ पे आप F-18 रफाल M में सेलेक्ट कर रहे होते हो, फिर अचानक से आप बोलते हो कि हमें TDF चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंडिजिनस प्लेटफॉर्म लेना है तो आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओ, या फिर अब अगर आपको बाहर से लेना है तो आप बाहर से भी ले सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन पे सूटेबल एयरक्राफ्ट ही यूज़ किए जाएंगे। तो चाहे कोई कुछ भी बोलते रहे, TDF ही बेस्ट ऑप्शन है इंडियन नेवी के लिए, और फिलहाल के लिए जो MiG-29 है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।